नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं RFID कार्ड के बारे में। और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जब पहले हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए आते थे तो हमें यात्रा स्लिप लेनी पड़ती थी और वो यात्रा के दौरान चेक की जाती थी। अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये बदलाव किया है। अब आपके मन में सवाल उठते हैं कि ये RFID कार्ड क्या है और हम इसे कैसे ले सकते हैं। RFID कार्ड, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये एक चिप बेस्ड कार्ड है जिससे यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को ट्रेस किया जा सकता है। यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान मौसम या किसी और कारण किसी आपातकाल स्थिति में फंस जाता है तो उसे इस कार्ड के द्वारा ट्रेस किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कार्ड लेने के लिए आपको आपका आधार कार्ड देना होता है और आपकी एक फ़ोटो खींची जाती है। और जब भी कोई अधिकारी आपके कार्ड को अपने सिस्टम में स्कैन करता है तो आपकी कंप्लीट जानकारी और फोटो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। और अब एक ये ज़रूरी जानकारी है कि यदि आप RFID कार्ड के बिना यात्रा करने की कोशिश करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और इस कार्ड को यात्रा समाप्त होने पर आपको वापस डिपॉजिट करना भी अनिवार्य है। RFID कार्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे काउंटर्स पर उपलब्ध हो जाएगा।